Sunil Grover. And why I'm saying this? Because some of you may not know my name. ऐसे इससे humble लगता है मुझे. मैं excited, मुझे आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं यहाँ पे आया हूँ, आप मुझे देखेंगे, पर मुझे excitement है कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ. Why I'm saying this? Because थोड़ा time पहले मैं भी drama school में class attend करने जाया था, तो हमारे यहाँ भी जब visiting faculty आती थी तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या बोलेगा, ये क्या है, कौन है ना. होता कुछ नहीं है, थोड़े टाइम बाद आप भी आने वाले हो, है ना. तो ये जगह बदलती रहती है, कोई यहाँ पे है तो थोड़े टाइम बाद वो वहाँ पे है. इट्स मैटर ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड बिट ऑफ लक. और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता, मुझे लगता था सबसे पहले एक्टर का काम होता है अपने बाल सेट करना, यू नो बाल. तो वो खेर साहब ने उसको ख़त्म कर दिया. उस थियोरी को ख़त्म कर दिया उन्होंने. तो आई थिंक देर आर मोर थिंग्स टू डू. सो सिर्फ बाल ज़रूरी नहीं है. मुझे बहुत खुशी है इस बात की. आप अपना ड्रीम, आपको किसी ने फोर्स करके तो नहीं भेजा ना कि नहीं बेटे तू एक्टिंग कर. कोई नहीं बोलता दुनिया में, कोई भी पेरेंट नहीं बोलता जाओ एक्टिंग कराओ, है ना. हम लोग बोलते हैं कि जाओ पढ़ो, है ना, चलो बुक लेके बैठो, मैथ्स का कल एग्जाम है. कोई नहीं बोलता चलो डायलॉग याद करो अपने. किसी ने नहीं बोला आज तक, है ना. उनको समझ नहीं आता. मोस्ट ऑफ अस, जैसे सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, उनको तो पता है कि फैमिली में फादर साहब एक्टर है, तो इस माहौल का पता है उनको, यू नो. तो लेकिन जिनका पीछे कोई ऐसा, जैसे अनुपम सर की बात करें, उनके फैमिली में पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो उनको कौन बोलता था, कोई भी नहीं बोलता था. तो ये आप अपने आप से सेल्फ ड्रिवन है, और ये बहुत बड़ी जीत होती है अपने आप में. उनको लगता था कि क्या ड्रामे कर रहा है, इसमें क्या है, है ना. तो फिर मैं, जैसे मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था, शाम को मैं कुछ फंक्शन जैसे होते हैं ना, एंकरिंग करता था सिंगरों के साथ या कुछ ऐसा. तो एक बार किसी ने मुझे 200 रुपये दे दिए, तो मैं, मेरे फादर ने कहा कि वो चोरी करके लाया. तो बट फिर धीरे धीरे जैसे उनको लोग कहने लगे कि यार ये बहुत अच्छा करता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ड्रामा में, तो फिर उन्होंने ऐसे कहा कि अच्छा देखो मैं अभी एक साल दे रहा हूँ, तुझे जो करना है तो कर ले. तो फिर वो एक साल ख़त्म ही नहीं हुआ, फिर चलती गई. आई थिंक मेरे को सपोर्ट फैमिली ने किया. उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि मेरे फादर रेडियो में जाना चाहते थे, उनके ग्रैंडफादर ने रोक दिया. ही वाज सिलेक्टेड एज एन अनाउंसर. सो मेरे ग्रैंडफादर ने रोक दिया, तो उनके दिमाग में था कि मेरा बच्चा कह रहा था मैं ना रोक दूँ. मैं कहा अच्छा होगा आपको रोक दिया, आपने मुझे भेज दिया. तो शायद मैं, आई वॉज लकी. और मुंबई आके एक बड़ा होता है कि आप बीच पे भाग रहे होंगे और आपको एक डायरेक्टर देख लेगा, आपको साइन कर लेगा. ऐसा कुछ नहीं होता. एक डेढ़ साल तक लगता है वो, लेकिन होता नहीं है. फिर कुछ समय तक आटा गूंथते रहे रोटियां. फिर मैं शिफ्टेड फ्रॉम जूहू टू गोरेगांव, तो फिर वहाँ खाना वाना भी बनाते रहे. तो आई वॉज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ माइंड. मेरा एक रूममेट था, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ. मेरे ज़िंदगी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विचार है, जो मुझे लगता है आप शायद आपके काम आए. बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ते रहते होंगे, आजकल तो गुड मॉर्निंग भी स्टे पॉजिटिव लिखा होता है ना व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं ऐसी, बट वो सच हैं. क्योंकि मेरा एक रूममेट था, हम लोग उसी रूम में रहते थे. मैं उसको कहता था देख इस छत के नीचे ना, हम वन रूम किचन अपार्टमेंट में रहते थे. मैं उसको कहता था इस छत के नीचे ना 1,00,000 रुपया बैठा हुआ है, 50 मेरा 50 तेरा, 50,000 मेरा 50,000 तेरा, लेकिन कोई कदर नहीं डाल रहा हम लोगों की. बात हमारी कीमत इतनी है, कोई आज हमको काम दे दे तो इतना तो काम दे देगा. तो फिर मुझे लगता था, जैसे मैं आपसे एक्सपीरियंस की बात कर रहा था जो सबकॉन्शियस में इकट्ठे रहते हैं, आई फील लकी टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी. बिकॉज वो मुझे उस वक्त भी लगता था कि ये रूम में जो खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, नीचे सीढ़ियों से उतरने का, मकान मालिक से कहने का सर परसों आ सकते हैं क्या, दे देंगे आपको, वो आपके पास दोबारा नहीं आते. सो गैदर दो एक्सपीरियंस, द ब्यूटिफुल थिंग. ईश्वर कहीं ना कहीं जो प्रकृति है,
किसी भी रूप में नेचर आपको एक्सपीरियंसेस गेन करने के चांसेस दे रही है. एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास एक्सपीरियंसेस ही नहीं होंगे तो हम व्यक्त क्या करेंगे, हम लोग उसको दिखाएंगे क्या. सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे उस वक्त भी लगता था कि यार ये मौका दोबारा नहीं आने वाला. किसी को पता नहीं होता सक्सेस के बारे में, आपको तभी पता चलता है जब आपके साथ हो जाती है. टिल देन यू हैव टू कीप ट्राइंग. और फेलियर एक्चुअली ज़्यादा खूबसूरत होते हैं. सॉरी मैं फिलोसफी पे आ रहा हूँ. फेलियर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं. मैं इस बात पे आता हूँ कैसे डिज़ाइन किया, पर मैं भूल ना जाऊँ, इंपॉर्टेंट है. क्योंकि उससे आपको सीखने का मौका मिलता है. सक्सेस आपको कंप्लेसेंट कर देती है, आपको संतुष्टि हो जाती है, आप फिर प्रगति करना बंद कर देते. जब आपके फेलियर होते हैं ना तो आपके पास आप थोड़ा जर्क लगता है और आप मेहनत करने लगते हैं. सक्सेस आपको इतना नहीं सिखाती जितना आपको फेलियर सिखाते हैं. अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. थ्योरी तो अपने आप बनने लग जाती है जब आपको सक्सेसफुल हो जाते हो, उससे पहले कोई थ्योरी नहीं होती आदमी की. तो जो थ्योरी कई बार दिमाग पे ज़्यादा चढ़ने लगती है, एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग करने का नाम है. ओके, आपको एक्टिंग करनी है. तो उन्होंने अभी क्लास चल रही थी हमारी, नीलम मैम हमारे टीचर हैं, तो बहुत प्रोफाउंड टीचर हैं, बहुत थिएटर में बहुत नाम है उनका, बहुत अच्छा काम करते हैं. तो उनके साथ हमारी एक वर्कशॉप चल रही थी थिएटर की. तो उन्होंने एक रोल था, यर्मा प्ले था, तो एक लेडी बैठी हुई है और मैं लवर आता हूँ. मैं लवर तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ. तो उन्होंने 7-8 बार मुझसे सीन करवाया, मुझसे सही नहीं हो रहा था. तो कहते सुनील नो, डू इट वंस अगेन. ओके मैम, नो यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग सुनील, जस्ट बी इन द मोमेंट, जस्ट सिट देयर फॉर 5 मिनट्स एंड देन कम बैक. आई सेड ओके मैम. मैं 5 मिनट बैठा रहा बड़ा मुश्किल से. मैं कहा मैम सोचना क्या है 5 मिनट. सो तो कहते जस्ट थिंक ऑफ ए लाइन, थिंक ऑफ ए कैरेक्टर, वेर इट कम फ्रॉम एंड वेर इट इज हेडिंग. आई सेड ओके मैम. देन मैं बैठा रहा, मैं सोच रहा था, बीच बीच में मेरे को फिर ऐसा होता था कि ये ऐसा कर लिया. वो तो हो ही रहा ना, बैठा हुआ है ना. फिर गर्मी थी उस दिन, तो मेरा यहाँ से पसीना आ रहा है, मैं वो सब कर रहा हूँ. फिर बीच बीच में मैं नहीं, ये तो प्यार में पागल है, ऐसा सब करके आओ सुनील. अब मेरे हाथ में पूजा की थाली थी और मैं ऐसे जाता हूँ, मैंने गया कम ऑन, यहाँ लेडी बैठी हुई है यर्मा. फिर पीछे से गाना चलता है. फिर मैम ने कहा वेरी गुड सुनील. मैं कहा थैंक यू मैम. दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई ब्रोक माय कॉन्सेंट्रेशन. और उसके बाद मैं काफी समय तक, जब तक वो प्ले की रिहर्सल करती थी, मेरे को लगता था मैं डायलॉग बोल रहा हूँ कोई, और बोलते बोलते मुझे लग रहा है मेरी तो कॉन्सेंट्रेशन ही बड़ी अच्छी है यहाँ पे. एंड देट वॉज द टाइम आई फॉरगॉट माई कॉन्सेंट्रेशन. नेवर गेट अफेक्टेड, गेट अफेक्टेड बट नेवर गेट डिसअपॉइंटेड बाय योर फेलियर्स और योर रिजेक्शंस. नेवर एवर, जस्ट लर्न फ्रॉम इट कि क्या कमी रहेगी और आगे चलो. सबसे पहले तो प्रेपरेशन, प्रिपेयर करना अपने आप का. बोल प्रेपरेशन जब अपॉर्चुनिटी को मीट करती है तब सक्सेस होती है. विदाउट प्रेपरेशन आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी भी आ गई तो, और ज़रूरी नहीं है कि प्रेपरेशन के बाद अपॉर्चुनिटी मिले वो भी सक्सेस हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. हो सकता है आपको दोबारा प्रिपेयर करना पड़े, 3 बार प्रिपेयर करना पड़े, वो हर जगह पे है. एक्टिंग थोड़ा टफ है इसलिए क्योंकि आप एक पेशेंट, जो डॉक्टर क्या है 10 पेशेंट को डील करता है, इंजीनियर क्या है एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, फिर उसके बाद एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट आ जाता है. आप एट द सेम टाइम 125 करोड़ लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उनकी सहमति एक्सेप्टेंस, तो उतनी ही ज़्यादा मेहनत. इतना आसान काम नहीं. एक्टर को लगता था, मुझे लगता था पहले, मैंने जैसे कहा ना बाल सेट करना, ब्रश करना, वो तो गए रेडी, डिओड्रेंट लगा लिया, जूते पहन लिए, इज फाइन. तो मेरा पर्सनल, आपका कुछ और हो सकता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, काम करते रहो बहुत सारा, चाहे उसके पैसे इस वक्त मिले या ना मिले, आप काम करते रहिए.
of course they are very, very lucky to be here, these students, and I feel honored to be here sharing my experiences with them. And I feel extremely happy, and at the same time I can, this 2-3 minutes, the first 2-3 minutes when I came here to, when I was sharing my experiences, I could only think that I could see myself in these students, because I was also part of a drama school, and beautiful, wonderful experience. And the way the school has been designed, the curriculum, everything, I know a little bit about it. I feel that every actor should get this opportunity, who wants to be an actor, to have a formal training like this. और मैं अपने आप को खुश भी महसूस कर रहा था, सामने जब जितने भी स्टूडेंट्स थे जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था उनसे, मुझे ये देख के बहुत मज़ा आया कि उनके जो सवाल हैं, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, और वो एक ही हमें सीखना है. आई थिंक जितने भी बच्चे हैं यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बहुत लकी हैं कि एक विधिवत रूप से उनको ट्रेनिंग मिल रही है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कैरिकुलम है, बहुत ज़बरदस्त है स्कूल का. आई थिंक हर एक्टर को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ऐसी ट्रेनिंग ले सके.